अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कबाब बीफ के। ये मेरे पास है हाफ के जी बीफ, इसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। थोड़ी सी मेरे पास है लहसुन की, ये क्लोव्स हैं, और एक है प्याज, और ये है 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी, और 2 टीस्पून मेरे पास है ये मिर्चें हैं, लाल टर्किश मिर्च है, 1 टीस्पून यहाँ पर है नमक, 1 चुटकी कलवंजी और 1 चुटकी अजवाइन, और ये है 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, ये बड़ी इलायची और ये सिनेमन स्टिक है, दालचीनी, और ये है 1 टीस्पून तंदूरी पाउडर, शान का तंदूरी मसाला। कबाब मसाला मैं पहले यूज़ करती थी लेकिन उससे बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो तंदूरी मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर ये नहीं भी है तो आप सिर्फ अपने घर के ही इंग्रेडिएंट्स डालें तो भी आपके कबाब बहुत मज़े के बनेंगे। ये है मेरे पास इंडियन कुकर, इसमें जाएंगी ये सारी चीज़ें, और इसकी 5 सीटियां जब तक बजेंगी तब तक के लिए मैं इसको चूल्हे पे रखूंगी, और फिर मैं डालूंगी चने की दाल, और मैक्रोनीस भी मैं ऐड करती हूँ, ये मेरी अपनी रेसिपी है, बहुत मज़े के कबाब बनते हैं, तो ये मैं इसमें डालूंगी। जब तक ये बनते हैं तब तक के लिए वेट करें। हाँ जी, तो ये कुक हो रहा है कुकर में हमारा बीफ, और मैं आपको बताना भूल गई कि पानी कितना डालना है। तो ये 1 कप वाटर का मैंने ऐड किया, ये वाला साइज़ का कप, और यही वाले साइज़ का 1/2 कप मैंने चने की दाल डिप कर दी है। तो 1/2 आवर के लिए मैं चने की दाल डिप करके रखूँगी, तब तक के लिए गोश्त पक जाएगा और फिर मैं चने की दाल बॉयल करूँगी। तो फिर मिलते हैं 1/2 आवर के बाद। जी, तो ये गोश्त बॉईल हो रहा है कुकर में, मैंने रख दिया है। तब तक के लिए आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये बजने लगी है सीटी यहाँ पर। हाँ जी, तो ये गोश्त बिल्कुल पक गया, गल गया, ये देखें इजीली बोटी टूट रही है। तो पानी इसमें थोड़ा सा भी है, मैंने 1 कप डाला था लेकिन छोटी बोटियाँ थी इसलिए थोड़ा पानी अभी है। मैं इसको ऐसे ड्राई नहीं करूँगी, तो अगर आपके भी कबाब बनाते हुए पानी थोड़ा ज़्यादा हो तो आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि हमने चने की दाल भी बॉईल करनी है और उसके अंदर हम यही वाला गोश्त का बचा हुआ पानी यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये इसलिए आपने चने की दाल और गोश्त इकट्ठे नहीं बॉयल करने। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी टिक्कियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं, पानी पानी जब फाइनल मटेरियल प्रिपेयर होता है तो वो गीला गीला सा होता है। तो चने की दाल और गोश्त कभी भी इकट्ठे बॉयल ना करें, आप सेपरेट बॉयल करें, क्योंकि गोश्त को ज़्यादा टाइम लगता है और चने की दाल जो है वो जल्दी हो जाती है, तो इस वजह से वो बहुत गीला गीला मटीरियल हो जाता है। सेपरेट बॉयल करने का ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास थोड़ी यखनी बच गई है तो उसी पानी में आप दाल बॉयल कर लें। तो ये देखिए, ये मैंने चने की दाल 1/2 कप ली थी और इसको मैंने 1/2 आवर के लिए भिगो दिया था। अब मैं वो ही गोश्त वाला पानी यूटिलाइज़ कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डाल दी, और इसको मैं बॉईल कर लूँगी। हाँ जी, तो ये चने की दाल मैंने सारी ऐड कर ली है। इसके अंदर अब मैं ये मसाले ऐड करूँगी। ये 1 टीस्पून है नमक का, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून जो है ये लाल मिर्च है, 1 चुटकी कह लें इसमें है धनिया पाउडर, 1 चुटकी कलवंजी और 1 चुटकी अजवाइन और बड़ी इलायची सिनेमन स्टिक, और ये है अदरक, और 2 हैं ग्रीन मिर्च, और 1 टीस्पून है चाट मसाले का। ये सारा कुछ जाएगा अंदर और बॉईल करनी है दाल। जब तक दाल बॉईल होगी तब तक के लिए मैं गोश्त को चॉप कर लूँगी। तो मिलते हैं आपसे 15 मिनट्स बाद। जी, तो मैंने दाल के साथ साथ मैक्रोनीस भी बॉयल होने रख दी हैं। पीछे वाले पैन में आपको नज़र आ रहा है ये मैक्रोनीस बॉयल हो रहे हैं। 1/2 कप मैंने मैक्रोनीस लिए थे, एल्बो मैक्रोनीस, और ये दोनों चीज़ें बॉयल हो रही हैं। जी, तो मैं आ गई हूँ वापस। मैंने बीफ को चॉप कर लिया है, ये देखें ये मेरा चॉपर है, और 1/2 कप मैंने एल्बो मैक्रोनीस भी बॉयल कर लिए थे, और ये चने की दाल भी बॉयल होगी, और ये मैंने तैयार किया है धनिया पुदीना और जलेपिनो, तो इसको भी मैंने अब इन दोनों को चॉप कर लेना। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं चॉप कर रही हूँ मैक्रोनीस,
और चॉपर मेरे पास छोटा सा है, तो स्टूडेंट तबके से हमारा ताल्लुक है, इसलिए चॉपर भी छोटा है, कुकर भी छोटा है, स्टोव भी छोटा है। अगर आपके पास बड़ा चॉपर है तो आप दाल और मैक्रोनीज इकट्ठे चॉप कर सकते हैं। मैं सेपरेट चॉप कर रही हूँ यहाँ पर। दाल भी आपने अच्छे से चॉप कर लेनी है ताकि उसके पीसेस कबाब में फील ना हो। अच्छे से चॉप होगी तो बहुत अच्छी लगेगी। तो जब सब कुछ चॉप हो जाएगा तो ये मिक्स कर लेंगे इकट्ठे तीनों चीज़ों को। जी, तो इसमें अब बीफ भी आ गया है, दाल भी हो गई है और ये मैक्रोनीस भी। मैक्रोनीस जो है ये बहुत हेल्प करते हैं कबाब को स्टिक होने में, कबाब टूटते नहीं हैं। आप फ्रीज कर दें, जब भी निकालें हल्का सा माइक्रोवेव करके कबाब सॉफ्ट कर लें या डीप फ्रॉस्ट कर लें और फिर उसको फ्राई करें तो बिल्कुल भी कबाब टूटते नहीं हैं और बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आता है मैक्रोनीस ऐड करने से। लेकिन मैक्रोनीस आपने सिर्फ एल्बो मैक्रोनीज ऐड करने हैं। तो ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और ये मैंने जो प्रिपेयर किया था धनिया पुदीना और येलोपिनो, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। और इसमें मैं थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूंगी, ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून। थोड़ा सा इसमें मैं चिली सॉस ऐड करूंगी, हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूंगी और फिर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। बहुत अच्छे बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और बहुत ही इजी है, और बिगिनर्स के लिए भी बहुत इजी है। मुझे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती थी तो मैंने ये जब बनाने स्टार्ट किए तो मुझे बहुत इजी लगे। इसको आप बना के फ्रीज़ कर लें, जब मर्ज़ी आप निकालें और बर्गर बनाएं, बेशक सैंडविचेस बनाएं या राइस के साथ, इजीली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा चेक करूँगी, नमक वगैरह तो आई थिंक ठीक है, बिल्कुल ठीक टेस्ट है। जितनी क्वांटिटी मैंने नमक की आपको बताई थी दाल में जो हमने डाली थी और बीफ में, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें, ये मिक्सचर तैयार हो गया और अब मैं इसकी बनाऊंगी टिक्कियाँ और फिर मैं फ्राई करूंगी और खा के बताऊंगी कि ये कैसे बने। हाँ जी, तो मैंने ये कबाब की टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। एक अंडा मैंने फेंट लिया यहाँ पर और ये मैंने पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला और इसको अब मैं करूँगी फ्राई। तो ये बहुत अच्छा मील है। अगर आपने कार्ब्स नहीं भी लेने ज़्यादा अमाउंट में, तो इसमें जो मैक्रोनीस है वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में है और ये बहुत इजीली आप एक प्रॉपर आपका मील बन सकता है। इसमें कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, और किसी भी वेजिटेबल सैलड के साथ आप अगर ये दो कबाब लेते हैं तो वो इनफ हैं और आपका हेल्दी मील बन जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा दो कबाब से। तो ये बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करें, इसको ज़रूर बनाएं इनको। तो ये अभी मैं तीन बनाऊंगी मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। जी, तो देखें ये कितने ज़बरदस्त से कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट करूंगी। इसको मैं इधर, स्टोव मैंने बंद कर दिया और कबाब देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने धनिया पुदीने की चटनी बनाई है, खीरा है साथ और रेडिश है, और ये मैं ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि कैसे बने। जी, बहुत मज़े के यम्मी बने हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।